है आपका वेट मेथड एंड नेक्स्ट आता है आपका ड्राई मेथड। सो इस वे में आपके जो कॉफी की बेरीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है ताकि फाइनली आपके जो कॉफी बीन्स हैं उनको कहाँ तक पहुंचाया जा सके, कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सके ताकि वो कंज्यूम कर सके कॉफी को। तो यहाँ पे आपका एक इमेज दी हुई है दिस वन, ठीक है। तो ये आपकी वेट प्रोसेस है और ये आपकी ड्राई प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई प्रोसेस में क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें मोस्टली जो चेरी कॉफी होती है उसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सो चेरी कॉफी में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो कॉफी बीन्स होती हैं, चेरीज होती हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, राइट। आफ्टर कलेक्शन उनको ड्राई किया जाता है, या तो आर्टिफिशियली किया जाता है या फिर उनको सन में, जो नेचुरल सनलाइट होती है उसमें ड्राई किया जाता है। देन ड्राइड बीन्स को क्या किया जाता है, स्टोर करके, एंड उनको स्टोर्ड बीन्स को आफ्टर दिस क्या कर दिया जाता है, पैकेज कर दिया जाता है एंड देन डिटेल के लिए सेंड कर दिया जाता है, राइट। इसमें जो ड्राइड बीन्स होती हैं इनको एक और इसमें स्टेप आ जाता है विच इज कॉल्ड रोस्टिंग, इनको रोस्ट भी किया जाता है। सो अगर आपने शॉप्स देखी होंगी, बहुत इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट नहीं, पॉपुलर ब्रांड है विच इज कॉल्ड स्टारबक्स। सो स्टारबक्स में मोस्टली जो यूज की जाती है ड्राई प्रोसेस से जो चेरी कॉफी जो होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, इस टाइप की कॉफी यूज होती है। उसमें क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा सो ये अपने मार्केटिंग करने के लिए जो रॉ कॉफी के सीड्स होते हैं उनको अपने स्टोर्स में लेकर आते हैं, राइट। स्टोर्स में क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की कॉफी जो होती है डिफरेंट टाइप का अरोमा जनरेट करती है। और ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अरोमा जो होता है वो क्या करता है, आपके कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या करते हैं, एक तो अरोमा हो गया एंड नेक्स्ट हो गया अपीयरेंस। पीपल जो होते हैं खुश हो जाते हैं ये देख के कि उनके सामने आपकी कॉफी को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये जो रोस्टेड सीड्स होते हैं वो आपके सामने उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे एंड देन आपके सामने ही आपकी कॉफी को प्रिपेयर करेंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपको एक तो क्या करेंगे, वो आपको बिजी कर देते हैं एंड नेक्स्ट थिंग आपका मन कर जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं उस कॉफी को कंज्यूम करने के लिए, राइट। तो ये वाले होते हैं। नेक्स्ट आती है वेट प्रोसेस, जहां से क्वेश्चंस आते हैं गेट में। इसमें जो एक चीज ऐड हो जाती है विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, बाकी सेम रहता है। इसमें जो कॉफी चेरीज होती हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं आपके कॉफी सीड में, जिसमें आ जाते हैं आपका यहाँ पे है सी हियर। तो ये आपका कौन सा है, कॉफी सीड है, राइट। सो कॉफी सीड में ये वाली आपकी आती है आउटर लेयर, अनडिजायर्ड लेयर आती है। नेक्स्ट इसमें आता है विच इज कॉल्ड फिफ्थ वाला पॉइंट, जो आपका है म्यूसिलेज, ये भी आपका क्या है, अनडिजायर्ड पार्ट है। पल्प अनडिजायर्ड पार्ट है, आउटर स्किन अनडिजायर्ड पार्ट है। देन आपका आ जाता है नेक्स्ट वन जो आपको चाहिए होता है आफ्टर द प्रोसेसिंग, सेंटर कट ये वाला पोर्शन, बीन फुल बीन एंड देन आपको सिल्वर स्किन, यहां तक जो आपका पार्ट होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे फंक्शंस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं कि कैसे आप आउटर स्किन को क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो आपको यहाँ पे आउटर स्किन को रिमूव करना पड़ेगा, आपको पल्प को रिमूव करना पड़ेगा एंड आपको म्यूसिलेज को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थ्री फंक्शंस आ जाते हैं कॉफी बीन्स को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे जो नेचुरल कॉफी बीन होती है, चेरीज जो होती हैं इस टाइप से होती हैं, अगर आप उसका पल्प, ये वाला आपका पल्प पोर्शन है उसको रिमूव करते हो तो अंदर से आपकी बीन्स कुछ इस टाइप से लगती है, राइट। इसमें भी इसको आफ्टर प्रोसेसिंग क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इस टाइप से आता है, जिसको बाद में क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है एंड पैक करके सेल कर दिया जाता है, राइट। अब वेट प्रोसेसिंग जो होती है उसमें सेम वे में नंबर वन पल्पिंग,
जो आपका पल्प होता है आउटर स्किन, उसको रिमूव किया जाता है, राइट? एंड देन उसमें आ जाता है जो पल्प बीन्स होती है उनको फर्मेंट किया जाता है। अब जो पल्पिंग होती है वो कैसे की जाती है, आपके जो सीड्स होते हैं उनको वाटर सोक कर दिया जाता है, राइट? आफ्टर वाटर सोकिंग क्या होता है, जो आपके बीन्स होती हैं वो स्वेल होके जो उसका पल्प है वो रिमूव कर देती है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, बट सेम वे में जो आपकी बीन्स होती हैं उनको भी वाटर में सोक करके रखते हैं ताकि उनकी जो इस टाइप की आउटर कवरिंग है वो रिमूव हो सके। देन नेक्स्ट इसमें स्टेप आ जाता है फर्मेंटेशन। अब आपको ध्यान देना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कॉफी में फर्मेंटेशन होती है या नहीं होती है, तो योर आंसर शुड बी यस। कॉफी में फर्मेंटेशन प्रेजेंट होती है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ईस्ट आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सेम माइक्रोब्स आते हैं और वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं यहाँ पे, और जो आप फर्मेंट हो रही होती है कुछ इस टाइप से दिखती है वो। आफ्टर फर्मेंटेशन क्या किया जाता है, आपके सीड्स को अब क्या कर लिया जाता है, वॉश कर लिया जाता है, देन उनको ड्राई किया जाता है, एंड देन अगेन उनको स्टोर करके पैकेज कर दिया जाता है, राइट? अब जो फर्मेंटेशन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्मेंटेशन जो होती है नंबर वन नेचुरल टाइप से होती है, एंड सेकेंड वन एंजाइमेटिक होती है, एंड नंबर थर्ड केमिकल टाइप से होती है, राइट? या तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नेचुरली वाटर में सोक रखा जाएगा और उसमें जो बैक्टीरिया होंगी उनको ग्रो, बैक्टीरिया ईस्ट या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उनको ग्रो किया जाएगा, एंड देन आपका जो फाइनल कॉफी बेरीज होंगी उनको ड्राई करके पैक कर दिया जाएगा, ठीक है? अब जो नेचुरल फर्मेंटेशन होती है वो ध्यान दिया जाता है कि कितने टाइम के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जो अरेबिका होती है उसका फर्मेंटेशन जो टाइम होता है वो रहता है 24 से लेके 36 आवर्स तक, और जो रोबस्टा होती है उसका टाइम पीरियड रहता है मोर देन 72 आवर्स तक। ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन ध्यान दिया जाता है कि आपकी फर्मेंटेशन जो है ना तो वो ओवर फर्मेंटेशन होनी चाहिए या फिर ना तो वो अंडर फर्मेंटेशन होनी चाहिए या फिर वो प्रॉपर फर्मेंटेशन होनी चाहिए। मतलब जो आपकी फर्मेंटेशन ऑलवेज शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए, ओवर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको मोर देन 36 आवर्स को अरेबिका को फर्मेंट करोगे तो वो जो बीन्स होती हैं वो फॉक्सी टाइप की हो जाएंगी, उनका जो टेक्सचर है जो क्वालिटी है वो डाउन चली जाएगी। अंडर फर्मेंट करोगे तो जो उसका म्यूसिलेज पार्ट होगा वो अच्छे से क्या नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, जिसकी वजह से अगेन आपकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे डाउन चली जाएगी, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी फर्मेंटेशन प्रॉपर हो। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आफ्टर प्रॉपर फर्मेंटेशन अगर आप थोड़ा सा भी अपने सीड्स को क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो आपका जो इनर सीड्स होता है वो पॉप आउट होके आ जाता है। इनर सीड क्या होता है, वो पॉप आउट हो जाता है विदाउट एनी म्यूसिलेज लेयर। तो जब ऐसा हो रहा होता है इसका मतलब क्या है कि आपके जो सीड्स हैं प्रॉपरली फर्मेंट हो चुके हैं। देन इसमें आता है एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन। एंजाइमेटिक फर्मेंटेशन में मोस्टली यूज किए जाते हैं पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम्स, पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये जो पेक्टिन लेयर होती है आपके सीड्स में, सीड कोट में, उसको क्या कर देते हैं, लाइज कर देते हैं। सेम वे में जो केमिकल प्रोसेस आती है उसमें आप क्या करते हो, एल्कली से अपने सीड्स को ट्रीट करते हो, और एल्कली में मोस्टली कौन सा आता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको यूज किया जाता है, राइट? तो इस वे में आपके जो कॉफी प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और ध्यान रखा जाता है कि वो जो सीड्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बेटर क्वालिटी के होने चाहिए, ओके? सो अभी के लिए, आज की क्लास के लिए इतना काफी है, आई गेस सबको समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो।